सही उत्तर और दक्षिण बस एक ही एक्शन मिले हर घर में बिजली कनेक्शन। पार्श्वनाथ सीटी रहवासी सोसाइटी के रहवासी घरेलू बिजली कनेक्शन की मांग को लेकर विगत 9 दिनों से आंदोलनरत है। शुरुआती दौर में सोसाइटी के लोगों ने अपने आंदोलन को गैर राजनीतिक बताया एवं स्थानीय नेताओं से व मुख्यमंत्री से आग्रह किया कि राज्य विद्युत नियम आयोग के नियम के अनुसार 6,750 रुपए प्रति किलोवाट की दर से राशि लेकर विद्युत कनेक्शन दिया जाए। लगभग 300 परिवार एक झटके में 1 से 1.5 करोड़ का जमा कराने को तैयार है। रहवासियों का नारा है कोर्ट ना कचहरी बस एक ही एक्शन मिले हर घर में बिजली कनेक्शन मिले। लेकिन एमपीपी के अड़ियल रुख के कारण इसका निर्णय नहीं हो पा रहा है। विगत 9 दिनों से सोसाइटी के स्त्री पुरुष और बच्चे मंच बनाकर क्रमिक भूख हड़ताल कर रहे हैं और मावा शिवराज से व स्थानीय मंत्री डॉक्टर मोहन यादव से अपील कर रहे हैं कि वह राखी के अवसर पर उनसे राखी बंधवा कर बिजली का घरेलू कनेक्शन गिफ्ट में दे। विगत 2 दिन पूर्व स्थानीय मंत्री व महापौर ने धरना स्थल पर जाकर रहवासियों से चर्चा की और कहा कि हल निकालने के लिए मीटिंग बुलाई जाएगी, लेकिन कोई ठोस आश्वासन नहीं दिया। इसी बीच आज 3 अगस्त को विपक्षी पार्टी के पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा व स्थानीय कई नेताओं ने धरना स्थल पर जाकर रहवासियों का हौसला बढ़ाया और कहा कि जैसे ही उनकी सरकार आती है 15 दिनों में वे यहाँ की विद्युत समस्या का हल कर देंगे। ये पार्श्वनाथ कॉलोनी के लोग तो पिछले 12 साल से धरने पे बैठे हैं, मानसिक रूप से 18 साल से बीजेपी की सरकार है। हमारी सरकार साल भर के लिए आई थी, चोरों ने चुरा ली हमारी सरकार। ये मैं प्रॉमिस कर रहा हूँ, कांग्रेस की सरकार आते ही 1 महीने के अंदर इनकी बिल्कुल समुचित व्यवस्था, चाहे मुझे यहाँ डेरा डालना पड़े, अधिकारियों का डेरा डलवाना पड़े इस कॉलोनी, 1 महीने में मैं इनको प्रॉमिस करता हूँ कि इनकी व्यवस्था सुचारू रूप से हो जाएगी।